अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। शमाइला यूनिक व्लॉग में आप सबको वेलकम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी, आज का जो मेरा व्लॉग है, आज है संडे का दिन। तो सुबह को जब उठी थी 9 बजे, रात को काफ़ी लेट हम लोग सोए थे। कल मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की क्योंकि हम लोग घर पे नहीं थे, भाई की बेटी का 1.25 महीना था, हम लोग वहाँ पे गए थे। काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे आप ही आपका न्यू व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इबादत हो रही थी। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, कल मैंने व्लॉग कोई नहीं बनाया। तो जी, कल मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, पूरा दिन तो मैं लेटी रही। और जो लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज जी बस उठी थी, जाने को नाश्ता बना के दिया तो फिर चर्च चले गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने कल के बर्तन पड़े हुए हैं अभी तक नहीं धोए, तो वो भी काम करती हूँ, साथ साथ खाना बनाते हैं। जो जो भी काम करूँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं बर्तन दिखा देती हूँ आपको, ज़रा ये देखें कितने बर्तन हैं। कैसे दिखाऊँ, एक मिनट, हाँ अब सही नज़र आते होंगे कि देखें कितने बर्तन हैं। तो अभी बर्तनों को भी धोती हूँ और साथ साथ जो खाना बनाऊँगी वो भी सब आपके साथ शेयर करूँगी, जितने भी काम होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि आप भी कहाँ हो, किधर गुम हो गई हो। तो फिर मेरा भी दिल करता है कि नहीं वाकई यार मेरा कोई फिक्र कर रहा है, कोई मुझे मतलब याद कर रहा है कि मैं व्लॉग नहीं बना रही तो कुछ मिस कर रहे हैं मुझे। तो इसलिए फिर मेरा भी दिल करता है मैं व्लॉग बनाऊँ। तो चलो जी, अभी थोड़ी देर के बाद मैं अभी पहले खाना बनाती हूँ फिर बर्तन धोऊँगी, क्योंकि जब खाना बनाऊंगी उसके भी जो बर्तन होंगे वह भी साथ ही धुल जाएंगे। तो इसी तरह बने रहे और देखते रहे आज का व्लॉग। जल्दी उठ जाती हूँ फिर तो बर्तन धो के जाती हूँ चर्च के लिए, लेकिन आज मैंने नहीं धोए थे क्योंकि कुछ थोड़ी तबीयत भी कल सही नहीं थी, इस वजह से फिर मैं उठी, पहले नाश्ता बनाया और फिर चले गए। बस मैंने बोला नहीं, पहले खुदा का नाम, काम तो होते रहेंगे सारी ज़िंदगी। तो चलें जी, अभी मदर इन लॉ लेने गई हैं, अभी जानी ने बोला दाल लेके आओ क्योंकि आप भी देखते होंगे हर रोज़ दाल 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 दाल। कल बनाया था मदर इन लॉ ने साग, ये साग वाले बर्तन सारे पड़े हुए हैं ना। और आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है किस किस को साग पसंद है, और जिसने अभी तक मेरे साग की रेसिपी नहीं देखी वो जाके देख ले। हमारा साग जो जानी ने भी नहीं खाया और मेरे देवर ने भी नहीं खाया, इसको मैं अभी छोटी किसी बर्तन में निकालती हूँ क्योंकि कल इसी छोटे बर्तन में निकाल लिया था। तो अभी तो काफ़ी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया, इसको मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी सब्ज़ी नहीं आई, इसलिए मैं साथ साथ व्लॉग बना रही हूँ। सारी फ्रिज खाली पड़ी हुई है जी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो चलें जी, अभी मैं साग को बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने निकाल लिया अभी इसी बॉक्स के अंदर, इसको मैं रख दूँगी अभी ऊपर वाले खाने में, क्योंकि अक्सर हम लोग नीचे फ्रिज बंद की होती है ना, तो हम लोग जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर रख लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ऊपर रखते हैं, जैसे आटा होता है, क्योंकि अभी भी इस महीने भी बिल बहुत ही ज़्यादा आया। ये सुबह का थोड़ा सा आटा था, ये भी मैंने ऊपर वाले खाने में रख दिया। और ये कुछ मटेरियल मैंने रखे हुए हैं कुछ बनाने के लिए, तो ये भी ज़रूर किसी दिन मैं शेयर करूँगी कि क्या मैं बनाने लगी हूँ इसका। तो चलें जी, हरा मसाला निकाल लेती हूँ क्योंकि मैंने हरा मसाला ऊपर वाले खाने में रखा हुआ था। ये देखें, इसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे सब्ज़ी आती पहले सब्ज़ी रखते हैं, फिर साथ साथ काम करते हैं। अभी मैं बनाना खाने लगी हूँ क्योंकि मैं सोई उठी हूँ सुबह की, बस मैंने थोड़ी सी रोटी खाई थी क्योंकि मैंने मेडिसिन खानी थी इस वजह से। तो अभी मुझे भूख लग रही थी, अभी दोपहर की मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, 5 बज गए हैं। बनाना बहुत आ रहे हैं आजकल हमारे घर क्योंकि कोई और फ्रूट जो है वो ना तो जानी खाते हैं ना मेरे देवर खाते हैं, इसलिए फिर मैं मदर इन लॉ जो है ना वो बनाना लेके आ रही हूँ, बस यही खा रहे हैं आजकल। और आपने भी ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना है कि किस किस को बनाना पसंद है। और बहुत जल्द मैं एक से एक ज़रूरी आपके साथ बात भी करूँगी, पूरे घर का टूर आपके साथ शेयर करूँगी, और आपसे एक राय लेना चाहती हूँ, आपका मशवरा लेना चाहती हूँ कि आपका क्या मशवरा है। वो भी कल का जो व्लॉग होगा मेरा वो इसी पर ही होगा कि मैं अपने घर का पूरा टूर आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा टूर करवाऊँगी आपको कि हमारे घर पर कौन कौन सी चीज़ें हैं और जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ, क्या वो सही है या गलत है। चलो जी, अभी सब्ज़ी आती है फिर मिलते हैं क्योंकि व्लॉग इसी तरह लंबा हो जाएगा बातचीत में। ये तो इसी तरह चावलों को अभी और धोऊंगी। तो चलें जी, अभी चावलों को रखती हूँ। तो जी, चावलों को मैंने धो के रख दिया है, चावलों के अंदर पानी मैंने रखा है क्योंकि चावल अगर पानी में भीगे हुए हम भीगे रहेंगे तो काफ़ी अच्छे बनेंगे, नरम हो जाएंगे और खिले खिले बनेंगे। ज़रूर पानी रखा करें धो के इसके अंदर, चावलों के अंदर। और
ऐसा किया करें कि चावल पकाने से पहले पहले धो के रखा करें, क्योंकि अभी देखें मैंने साथ पानी भी रख दिया है, कल साग बनाया था इस वजह से थोड़ा सा पतीला काला काला है, धोऊंगी इसको भी अच्छे तरीके से। तो ये है, अभी आ गया जॉर्डन, जॉर्डन रो रहा है। तो जी जो चावलों को उसी टाइम पे धोते हैं जल्दी से फिर देशकी में डाल दें, इस तरह चावल नहीं फूलते और छोटे छोटे चावल रहते हैं, लंबे भी नहीं होते। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, पता नहीं क्या मुझे इतनी वीकनेस हो रही है, वीडियो बना रही हूँ हाथ मेरे कांप रहे हैं, तो आपने मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है। तो बात कर रही थी चावलों की, तो चावलों को ज़रूर भिगो के रखा करें। ठीक है फ्रेंड्स, आटा हमारा मैंने गूंथ के रख दिया है, अभी ताज़ा ताज़ा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से ये हो रहा है क्योंकि मैंने ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दिया है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी दाल आई है। तो ऑयल भी ख़त्म था, अभी ऑयल आ गया। मदर इन लोग बता रही हैं कि ऑयल की कीमत 350 रुपये किलो हो गया, गरीब बंदे ने क्या खाना है। और सब्ज़ी जो आई है ये देखें जी, दाल आज चांदी ने थोड़ा सा कलर चेंज किया, नहीं तो दाल बोलते हैं कि येलो 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 मूँगी की लेके आया करो। तो आज मैंने बोला आज कैसे कलर चेंज कर दिया, बोले नहीं आज काली लेके आओ, इनको बड़ी दालें पसंद हैं, सब्ज़ी कोई भी नहीं ये खा रहे आजकल, पता नहीं क्या मसला। रात को भी साग बनाया था, ना देवर ने खाया ना जानी ने खाया। तो चलें जी अभी इनको मैं चुन के तो प्रेशर में डालती हूँ। तो देखें फ्रेंड्स, अभी हाल हमारी फ्रिज जो है बंद रहती है दिन को भी ना, रात को देखें जैसे मैंने आटे को गूंद के, अभी आटे को भी गूंद के मैंने ये देखो ऊपर वाले खाने में रख दिया है ताकि हमारी फ्रिज बंद ही रहे, चलाऊँ नहीं मैं। तो ये देखें जी फिर भी 9,132 रुपये। तो चलें जी अभी दाल को पहले रखती हूँ, रात के अंदर ही मैंने दाल को डाल दिया है, मैंने बोला चलो साफ ही थी देखे ना, गीली नहीं थी सूखी है। तो चावलों का पानी हो गया, दाल रखने से पहले चावल डाल देती हूँ। 1 किलो चावल में मैं डालती हूँ 3 चम्मच नमक, कुछ कम डालते हैं लेकिन अच्छा लगता है पूरा पूरा हो ना, बंदा थोड़े जी सादे भी मुँह पाए थे सही लगन। तो चलें जी जैसे चावल बनते हैं और रखते हैं जल्दी से दाल, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मेरे मेहमान, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं मेहमान, क्योंकि मेहमान आते रहे तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहती है ना। तो चलें जी नेक्स्ट व्लॉग आपने मिस नहीं करना, आज के मेरे व्लॉग के बारे में आपने ज़रूर मुझे बताना है और आपने मुझे बताना है कि आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। तो जी रोज़ की यही मेरी रूटीन होती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरी वीडियो को इसी तरह बहुत लाइक करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। पीछे जानी फोन पे बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, बाय बाय।